में भगवान आपका भला करे भैया, कितने बंदों का आपने पेट भरा? आप बंदे तो खाली पेट घूम रहे थे, आपने कम से कम 100 बंदों को खाना खिला दिया, और क्या चाहिए? अब अगले 15 दिन हम आपके साथ में, टेंशन मत लो। भाई लाइन में लॉकडाउन 14 अप्रैल। लॉकडाउन का फायदे तो है क्योंकि हम अपने घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस से हम बचे रहेंगे और हम अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं, जो हम काफ़ी टाइम से सोचते थे कि हम अपना थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताएं। हर कोई सोचता था यार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, एंड अब जब छुट्टी मिली है तो गाइस घर में रहो ना यार, घर में रहो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी मैंने बाहर रोडों पे खड़े हुए देखे हैं। मैं अपनी छत पे गया था कल शाम को, लोग ऐसे खड़े हुए थे, गलियों में खड़े हुए थे, चौराहे पे खड़े हुए थे। एंड 22 तारीख को हमने 22 मार्च को जिस हमने पुलिस वालों के लिए हमने तालियां बजाई थी, डॉक्टर्स वगैरह सबके लिए हमने तालियां बजाई थी, आज हम उन्हीं पुलिस वालों से हम बहस करते दिखे मुझे कल। काफ़ी लोग थे, जैसे लोग खड़े हुए थे तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर वो कोई कहता है केमिस्ट पे जा रहा हूँ, कोई कहता है आटा लेने जा रहा हूँ, न्यूज़ में भी यही सब दिखा रहे हैं यार। पुलिस वाले हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ सोच रही है, डॉक्टर्स हमारे लिए खतरों से खेल रहे हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ हमारे लिए रिस्क ले रहा है। तो यार आप लोग सिर्फ इतना नहीं कर सकते, आप अपने अपने घरों में नहीं रह सकते थोड़े दिन? मानता हूँ यार बोरियत होती है, मैं भी बोर हो गया हूँ, बट काफ़ी कुछ है हमारे पास करने के लिए यार, घर में काफ़ी गेम्स है, परिवार वालों के साथ बच्चों के साथ खेलो, एंड बाकी अपना है ही नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, अमेजोन प्राइम और बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बढ़िया टैलेंट हट है ना अपना टिकटॉक, तो निकालो अपने अंदर की औरत, सॉरी अपने अंदर का टैलेंट। तो यार बस घर में रहो, देखो ये सब आपके लिए नहीं है, आपके घर में, सबके घर में, मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है, एक है, बुजुर्ग लोग भी हैं, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, तो आप उनके लिए रुको यार घर में। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत ताकतवर हो, बहुत इम्यूनिटी है आपके अंदर, बट फिर भी यार उनका सोच के आप घर में रुको प्लीज़। पर गाइस एक बार दिल से सोचो, हमारे पास अपना घर है सेफ रहने के लिए, टाइम से टाइम हमारे को खाना मिल रहा है, नाश्ता, लंच, डिनर, हमेशा एक बार हमारी मम्मी खाना दे दो तो वो खाना मिल जाता है हमें, हर चीज़ मिल रही है बढ़िया, पीने को गर्म पानी भी मिल रहा है, जैसे आजकल डॉक्टर्स ने कहा कि गर्म पानी पियो, और हर चीज़ मिल रही है, हम लोग छोटा मोटा बाहर से राशन भी लाए थे, चिप्स वेफर्स वगैरह सब कुछ हमें मिल रहा है। बट कभी ये सोचा आपने कि जो रोड पे सोते थे, जो रोड पे रहते थे, अनाथ हो गए, गरीब हो गए, जो रोड पे सामान बेचते थे, रेड लाइट्स पे आते थे, गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले, उन बच्चों का, उन गरीबों का क्या होगा अभी इस टाइम, कहाँ रह रहे होंगे वो? हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया तो है, काफ़ी जगह उनके लिए खाने के लिए इस व्यवस्था की है, पर क्या ये फर्ज सिर्फ गवर्नमेंट का ही है? हमारा कुछ भी नहीं है। वैसे भी यार हम लोग काफ़ी पैसे कई बार वेस्ट भी करते हैं, वेस्ट जैसे किसी को सिगरेट पीने का शौक़ है, किसी को ड्रिंक करने का शौक़ है, या कोई फालतू में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1000-1000 रुपये का, कोई नेटफ्लिक्स खरीद लेता है, कोई प्राइम अमेजोन खरीद लेता है। तो यार क्या हम एक दिन अपना ये सब छोड़ के उनके बारे में ही सोच सकते? कुछ नहीं जाता यार, 50 रुपये 100 रुपये देने में कुछ नहीं जाता, हम लोगों का कुछ नहीं जाता, बट किसी एक गरीब बच्चे का पेट भर जाएगा यार, आपके कॉन्ट्रीब्यूट से किसी एक गरीब बच्चे का पेट भर जाएगा, सोचो वो कितना अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने अपने लिए तो बहुत कर लिया यार। अब जब हमारे देश के ऊपर, हमारे सबके ऊपर एक आपदा पड़ी है, तो हम लोगों को मिलकर साथ देना पड़ेगा ना यार एक दूसरे का, क्योंकि आफ्टर ऑल देश तो हमारा ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को हम अकेले छोड़ दें कि वो ही कर रहे हैं तो ठीक है, केजरीवाल जी कर रहे हैं तो वही ठीक है, नहीं यार देश तो हमारा है, हमें करना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपका जो भी कॉन्ट्रीब्यूट बनता है आप प्लीज़ वहाँ जाके करें, मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमित भाई से कॉन्टैक्ट करें और कुछ अच्छा करें, क्योंकि अभी ये लोग कल गए थे खाना खिलाने और मेरे को परमिशन नहीं मिल पाई, जिस कारण मैं नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही परमिशंस थी, तो भाई लोग चले गए,
बट उन्होंने मुझे कुछ वीडियो सेंड किए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाइस वहाँ पर लोग ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने 3-3 दिन से खाना नहीं खाया, जिसमें बुजुर्ग थे, बच्चे थे, कहीं लोग गांव से आए हुए हैं जिनको जाने का वापसी जाने का साधन नहीं है, जिनके पास घर उनका कोई घर नहीं है, ना उनको कोई घर मिल रहा भी रहने को, वहीं रोड पे सो रहे हैं या किसी रेलवे स्टेशन पे जाकर सो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, भूख के मारे बेचारे, प्यास के मारे परेशान है, क्योंकि उनको ना पानी मिल रहा है ना उनको खाना मिल रहा है, और शॉप्स वगैरह भी काफ़ी उधर बंद है। तो रोड पे यार बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन लोगों को। हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं हम उतनी कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है यार, देखिए प्लीज़। तो गाइस कुछ मोमेंट्स मेरे को रात को अमित भाई ने शेयर किए थे जब वो रात को गए खाना खिलाने, तो मैं वो आपके साथ अब क्लिप्स शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए और फिर सोचिए। कितने दिन से नहीं खाया? ये आज तीसरा दिन हो गया खाना नहीं खाया। कोई नहीं, अभी हम खिलाते हैं तेरे को खाना। चलो डेली मिलेगा, ठीक है? डेली हम आएंगे खाना बांटने। भगवान आपका भला करे भैया, कितने बंदों का आपने पेट भरा? आप बंदे तो खाली पेट घूम रहे थे, आपने कम से कम 100 बंदों को खाना खिला दिया, और क्या चाहिए? अब अगले 15 दिन हम आपके साथ में, टेंशन मत लो। दोस्तों मैं आज आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा वीडियो, ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि मेरी एक छोटी सी कोशिश, मेरी एक आवाज़ लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भरपेट खाना मिले। आज की वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही रीज़न था कि जो अमित भाई ने ये काम, अच्छा काम स्टार्ट किया है, उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएं। तो बस उसको बढ़ाने के लिए हमको कुछ जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है या कुछ करना नहीं है, बस हमें इतना करना है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी 100, 200, 300 जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो कॉन्ट्रीब्यूट करना है। वो चाहे आप गूगल पे भी कर सकते हैं, चाहे पेटीएम भी कर सकते हैं। पहले अगर आप चाहे तो अमित भाई से बात करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अमित भाई का पूरा नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, आप वो भी कर सकते हैं। होप करता हूं मैं आपको हमारी छोटी सी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो गाइस इसको इतना शेयर करना कि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुँच सके। और गाइस स्टे होम, स्टे सेफ और अपने हाथ धोते रहिए।